दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका आज के मेरे न्यू ब्लॉग में। सबसे पहले आप सबको मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं श्याम से, और श्याम की बज रही है अभी 4:30। और आज हम आ रखे हैं घास बांधने के लिए, पलखुन लगाने के लिए। आज हम पलखुन लगाएंगे। हमने पूरा ये खेत से जो दिख रहा है पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक हमने घास बांध लिया है। अब हम इसको सारेंगे। आज हम लगाएंगे 2 पलखुन, और जैसे हम पलखुन लगाएंगे तो पलखुन लगाते हुए आपको दिखाएंगे। और अभी हमने घास बांध लिया है, अब इस घास को हम पेड़ के सामने, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना दोस्तों। और आज आप मुझसे पलखुन लगाना भी सीख सकते हैं कि कैसे पलखुन लगाई जाती है। देखिए दोस्तों, ये घास हमने सारा बांध लिया है। अब देवर जी आ रहे हैं उधर से, वो कप चुन्नी लेके। अब हम घास बांधेंगे, उसके बाद हम सारेंगे। हम पूरा यहाँ तक था हमारा खेत, तो आ गए अब देवर जी। अब हम लगाएंगे घास, उसके बाद सारेंगे। तो ये देवर जी ले गए हैं एक बिठगी, एक बिठुक, मतलब गड़ोली भाषा में बोल देना। और ऊपर सास जी हैं, वहाँ पे बैठ रखे हैं दूसरी। वो इस पेड़ में लगाएंगी पलखुन, और वो कर रही है नीतू का इंतज़ार। जैसे नीतू आएगी वैसे उनकी पलखुन लगनी शुरू हो जाएगी। तो ये ले गए देवर जी तीसरी घात। दोस्तों आज हमारे लिए बहुत सारा घास है बांधने के लिए। वो आगे तक हमारा खेत है, और यहाँ से आगे तक हमारा खेत था। और मौसम बहुत अच्छा हो रखा है, और आज तब देखते हैं क्या होता है। तो दोस्तों इस पेड़ में लगाऊंगी अब मैं पलखुन। ये साल लिया हमने सारा घास, और नित्तू ने लगा लिया ये पलखुन। अब नित्तू आ रही है पेड़ से नीचे। रुक जा एक बार और हिला, रुक जा कमीन दिखोल ना की। तो दोस्तों मैं आ चुकी हूँ पेड़ में, और पेड़ से मैं पलखुन लगा रही हूँ। और नीचे है कगिया, वो है नीचे सिद्धेवर जी, पूले धोल रहे हैं मेरे पे। और मैं यहाँ पे पलखुन लगा रही हूँ। मैंने इतनी पलखुन लगा ली है, और अभी हम इससे ऊपर तक पलखुन लगाएंगे। और अभी आगे तक देखते रहे हम 2 पलखुन। मैंने एक पलखुन लगा ली है पूरी, यहाँ से यहाँ से। और देवर जी हैं, हैं खेलो। और अब जा रही हूँ मैं नीचे। नीचे की वीडियो मैं नहीं बना सकती, क्योंकि नीचे की वीडियो बनाऊँगी तो सीधे ऊपर जाऊँगी, इसलिए नीचे की वीडियो नहीं बना पाऊँगी। और देवर जी मेरे मुझे नीचे आने की व्यवस्था कर रहे हैं ये। तो अब जाती हूँ मैं नीचे। अच्छा तो दोस्तों ये देखिए मैं लगा चुकी हूँ पलखुन, बस 2 मिनट में मैं नीचे भी आने वाली हूँ। तो दोस्तों फाइनली मैं नीछे आ चुकी हूँ। थोड़ा उजाओ छे भी, तो फटाफट हम पलखुन लगाने एक बार हम भुगत घर। तो दोस्तों अब आ चुके हम दूसरे पेड़ में पलखुन लगाने के लिए, और इसमें लगेगी बहुत बड़ी पलखुन, क्योंकि आज घास बहुत ज़्यादा था। अब इसमें हम दूसरी पलखुन लगाते हैं फटाफट से, अगर लग जाती है तो देखते हैं, और रात हो जाएगी तो अब जो भी होगा, रात होगी या फिर टाइम से लग जाएगी, रात भी होगी तो पलखुन तो इसमें लगानी ही है, क्योंकि घास नहीं तो भीग सकता है। क्योंकि मौसम भी वैसे तो भी साफ़ ही है, और मौसम का कोई भरोसा नहीं है ना, कभी भी बारिश आ सकती है। अब हम थोड़ा फटाफट दिखाते हैं आपको, क्योंकि फिर ज़्यादा लंबा वो हो जाएगा ना ब्लॉग, इसलिए हम आपको फटाफट थोड़ा यहाँ पे दिखा देते हैं। तो देखिए कैसे मैं पलखुन लगा रही हूँ स्पीड से, और ये मेरे हस्बैंड हैं मेरे पे फूले चुटा रहे हैं, और फोटोग्राफर हैं जो मेरे देवर जी हैं फोटो वीडियो बना रहे हैं। और ये लगी मेरी फटाफट से आधी पलखुन, अब फट से हम पूरी लगाएंगे। अब थोड़ा थोड़ा अंधेरा होने लग गया, और देखते हैं अब क्या होता है, लग पाती है ये पलखुन की नहीं। अब थोड़ा यहाँ पे स्लो, अब थोड़ा स्लो स्लो लगाएंगे यहाँ पे, क्योंकि फटाफट लगा के थक गए। अब लगाएंगे हम यहाँ पे स्लो स्लो, उसके बाद देखते हैं कितना टाइम रहता है। क्योंकि अब मैं इसको चुलाने लग गई हूँ, क्योंकि गड़बड़ भाषा में बोल देना कि मतलब अब पलखुन चुला लिया भाई, है ना। तो बस वही मैं अब ऊपर वाला वो होता है जो चुलाना, वो कर रही हूँ इससे। अब क्योंकि टाइम अंधेरा अंधेरा हो रहा है, तो इसलिए फटाफट इसको चुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर टाइम ज़्यादा हो गया तो फिर पेड़ से नीचे आने में भी दिक्कत होती है ना। और थोड़ा देवर जी ने फ्लैश ऑन कर रखा है थोड़ा सा, वैसे अभी उजाला है पर थोड़ा फ्लैश ऑन कर रखा है, क्योंकि अंधेरा अभी हो रहा है। और अगर
देखते हैं अभी परखून लगती है कि नहीं लगती है, क्या होता है, रात होती है नहीं होती है। मुझे वैसे तो मुझे लग रहा है कि रात हो ही जाएगी, क्योंकि बहुत टाइम हो गया, बहुत ज़्यादा टाइम लग तो जाएगी पलकुन पर। जब मैं पलकुन से नीचे आऊँगी तो बहुत अंधेरा हो जाएगा। तो दोस्तों देखो अचानक से रात पड़ गई है, क्योंकि अंधेरा गांव में ऐसे ही पड़ता है, अचानक से पड़ गई रात। अब जो लगेगा लगेगा, बाकी मैं अब फिर नीचे आ जाऊँगी फटाफट, क्योंकि ज़्यादा अंधेरे में भी हम नहीं चल पाएंगे। और बस दोस्तों वीडियो को ज़रूर लाइक करना यार, जब तुम लोग लाइक और कमेंट करते हो ना तो मुझे आगे के ब्लॉग बनाने में ना मुझे मोटिवेट मिलता है कि हाँ यार कोई लोग हैं मेरे सब्सक्राइबर हैं जो मुझे लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे, तो मुझे ना मोटिवेट होता है। तो मैं फिर आगे ना जल्द से ब्लॉग बना देती हूँ, फिर जल्दी से पोस्ट भी कर देती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो यार कितने स्ट्रगल करके हम ब्लॉग बनाते हो, और तुम लोग मतलब लाइक कमेंट बहुत कम करते हो, तो फिर डीमोटिवेट वाला फीलिंग होती है, फिर वो फीलिंग नहीं आनी चाहिए ना। तो आप अच्छे से कमेंट करना, लाइक करना। और अब लग चुकी है मेरी पलखुन, बस थोड़ा रह रखा यार। दोस्तों अब लगा लिए हमने पलखुन, अब इसके आगे का ब्लॉग मैं नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि रास्ता बहुत मतलब अंधेरा हो चुका है, अब कुछ दिखाई नहीं दे रहा। अब हम जा रहे हैं फटाफट भाग भाग के घर। तो दोस्तों अब आगे का ब्लॉग देख लेना, अगर हम बचे रहेंगे तो कल आपको ब्लॉग दिख जाएगा, क्योंकि बाकी डर लग रही है। ये गांव में पहुंचने वाले हैं हम, उजाला गांव में लोगों ने लाइट जला रही है, हम फटाफट घर भाग रहे हैं। तो दोस्तों बस ये था आज का ब्लॉग, अगर ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, एक कमेंट ज़रूर कर देना। और अब मिलूँगी मैं आपको दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा। तो दगड़ियों अपने ख्याल रखे हो, और मेरे व्लॉग में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना।